जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं विद्यालय के चार दीवारी का निर्माण कराए जाने की मांग स्थानीय बस्ती वासियों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। बस्ती वासियों के अनुसार स्कूल परिसर के जमीन को भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे। स्कूल के मैदान का अधिकतर हिस्सा अतिक्रमित कर लिया गया है। मैदान में ठेले लगे रहते और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां लगा रहता है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी घटित होती है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण को मुक्त करने साथ ही स्कूल परिसर में चार दीवारी का निर्माण करवाने की मांग की। मंडल जी क्या है कि उपायुक्त के पास आया? स्कूल का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, उसको रुकवाना है और स्कूल में लड़कियों का संख्या ज़्यादा है, इसलिए चार दीवार स्कूल के चार दीवारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के यहाँ आए हुए हैं। स्कूल तो अभी बंद है फिर? स्कूल नहीं, स्कूल खुला हुआ है। नाइन हमारे यहाँ दो ही क्लास होता है, 9 और 10। हाई स्कूल में 9 और 10 वो चालू है। कब से स्कूल का चार दीवारी नहीं हुआ है? जब से बना है स्कूल। कब बना था स्कूल? स्कूल की स्थापना हुआ था 1987 में, लेकिन बिल्डिंग बना है 2005। तो अब यहाँ तब से चार दीवारी, स्कूल की चार दीवारी नहीं है, इसलिए बच्चियाँ बहुत महसूस होता है। मैदान में ठेला लगा के दुकानदारी करता है, अतिक्रमण कर रहा है, बच्चों को खेलने का कोई साधन नहीं है, ईंटा बालू लोग रखवा देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, स्कूल के ग्रामवासी लोग तथा बच्चों के अभिभावक चाहते हैं कि चार दीवारी होना बहुत जरूरी है। क्या स्कूल सरकारी है कि प्राइवेट? पूरा जिला पूर्वी सिंहू का जिला स्कूल है, राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय लोग, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो जिला स्कूल कहलाता है। पूरे पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में एक नंबर का वो स्कूल है जो बिरसा नगर में स्थापित है। बिरसा नगर में कहाँ पर? बिरसा नगर जोन नंबर 3 में। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रसाद मंडल।